भाई मेरे वो 100 साल की उम्र में शादी करे, हु आर यू टू से दिस? नहीं नहीं तो सब ठीक हो गए, खुश हो गए, बात भी हो गए। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हाशिम, आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। वो है पाकिस्तानी ऑथर तारिक फतेह इन आपकी अदालत 2016 फुल एपिसोड पार्ट 2। बड़े लोग इसे कवर कर रहे थे पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2। मैंने कहा चलो यार ले आते हैं पार्ट 2, लेट्स टॉक। या तो इसको पता नहीं है कुछ और ये अपनी ज़मीनों की वजह से डिफेंस मिनिस्टर बना, या हमारी बदनसीबी के हमारे पड़ोस में इस किस्म के पागलखाना बना हुआ है कि जस्ट इमेजिन व्हाट ही सेइंग, वी कैन यूज़ इट, बट ही कैन यूज़ इट ऑन हिज ओन टेरिटरी। सर ही इज सेइंग कि वी विल बॉम्ब पाकिस्तान। क्या अगर इंडिया की फौज आई तो हम अपनी जमीन, इंडिया की फौज का भूटान जाएगी तो मारेंगे? इंडिया की फौज अगर घुसी पाकिस्तान में, कश्मीर तो हम ले ही लेंगे, पाकिस्तान में घुसी तो हम पाकिस्तान को मारेंगे। और ये सबूत है कि इट इज अ डेथ कल्ट that has been indoctrinated into the Pakistani Punjabi's mind. लेकिन अब उन्होंने अपनी बात बदली है, उनको याद नहीं आया होगा उन्होंने कल, लेकिन झूठ बोलने का मैंने आपसे, अब वो कह रहे हैं कि अगली बार अगर हमला किया तो मारेंगे। वो तो आपके यहाँ लखनऊ में कहते थे इबकी मार, वो पिटता जाता पठान मार के चला जाता था कहता इबकी मार क्या। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए इनका प्रॉब्लम ये है जैसे मैंने आपसे कि सच बोलने में याद नहीं रखना पड़ता तो टेंशन नहीं रहती, झूठ बोलने में ये याद नहीं रहता कि किससे क्या झूठ बोला था तो अगर उसने राइटर्स को एक बात की तो वो तो गोरा समझ रहा है, एएफपी वाला भी वही है, सारे गोरे एक ही जैसे लगते हैं बेवकूफ़ों को, तो उसको ये याद नहीं कि किस शख्स से क्या झूठ बोला था। तो उसे स्ट्रेस भी हो रहा है, डायबिटीज़ भी हो रही है, हाइपरटेंशन भी हो रही है, बीवी भी तंग आई हुई है, शक्ल भी ख़राब है, तो आप क्या कहेंगे? ये बेवकूफ़ी की बात है, टैक्टिकल वेपन्स। लेकिन अब मैंने देखा इमरान खान मैदान में आए हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कुछ नहीं संभलेगा, मैं बताऊंगा इंडिया को कैसे ठीक करना। अरे साहब जाके किसी से इश्क लड़ाएं या क्रिकेट खेलें, ये किस चक्कर में आए? हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, जंग खेड़नी होंगी जनानियाँ दी, इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट मिसोजिनिस्ट कॉमेंट, but it applies to this stupid man whose entire life has been to impress upon especially Indian women, kyunki wo sab immi aunty ho jati, Imran Khan aaya, how much matlab aap bataiye ek aadmi 62 saal ki umar mein dulha bana to aur ghode pe chal ke aaya aur phir talaq ho gayi, ladki ne phenk diya utha ke use bahar, wo phir baitha hua bhai aap ko अगर 60 साल की उम्र में जब सठिया जाना, ऐसे ही कहते ना, ऐसे तो नहीं कहते कि बंदा सठिया गया, 60 साल का हुआ सठिया जाता था, आजकल दवाइयाँ अच्छी तो हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, तो वो 62 साल की उम्र में बारात लेके जा रहा है। अरे हमारे यहाँ तो पुराने राजा नवाब के 18 साल के बच्चे जाते थे, बल्कि 6-6, 7-7 साल के भी जाते थे कि बड़े होके इनकी शादी होगी। इसको शर्म नहीं है, हया नहीं है, यार में आ गया। बेईमान लोग हैं ये, वो पंजाबी हैं जो पश्तो बनना चाहते हैं, जैसे आपका मुशर्रफ दिल्ली वाला है वो पंजाबी बनना चाहता है, ये वो पंजाबी जो कहते हैं हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं, हम पश्तों पठानों की तरह बोलेंगे, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनका आइडेंटिटी क्राइसिस है, आप देखिएगा कोई दिल्ली वाला पंजाबी एक्सेंट में कभी किसी ने बात की है, कोई दिल्ली से है यहाँ सारी, तो कोई आप पंजाबी एक्सेंट से बोलेगा? कोई भी नहीं। ये मुशर्रफ कहाँ से आ गया पुरानी दिल्ली से, पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलता है पंजाबी एक्सेंट में? सब सब के सब झूठे हैं। अगर इनमें मुशर्रफ साहब ने, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उसके बाद मुशर्रफ साहब का तो ये कहना है कि अगर मैं होता तो मैं ठीक कर देता। अरे तुम होते मुशर्रफ तो ज़्यादा से ज़्यादा अकबर बुगटी का खून करते
ये मुंह और मसूर की दाल 80 साल के आदमी को गार में पॉइजन गैस से मार दिया तुमने, पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। कमर टेढ़ी हो गई, झुक के जाके अभी वीडियो चल रहा है आजकल, बेढंगा सा नाच कर रहा है अपनी बीवी के साथ। ना नाचना आता ना खाना आता। आपने कहाँ से कचरा भेज दिया पाकिस्तान? इसी को यहीं दिल्ली रखते, कहीं हलवाई की दुकान होती पुरानी दिल्ली में, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनवा के भेज दिया आपने। लेकिन अगर इसी तरह के लोग रहेंगे तभी तो फिर हाफिज़ सईद जैसे लोग खुलेआम तकरीर करते हैं और पाकिस्तान की सरजमी पर बैठ के हिंदुस्तान को धमकियाँ देते हैं। हाफिज़ सईद इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर। हाफिज़ सईद, सैयद सलाउद्दीन इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये किस चक्कर में आप लोग को समझ में नहीं आ रही हिंदुस्तानियों को? आप लोग तो एक तो पता नहीं डीप फिलॉसफी में चले जा रहे हैं। हमको आंखों के सामने नज़र आ रहा है कि वो लोग जो 30 लाख बंगालियों को 10 महीने में मुसलमानों को मार सकते हैं, वो अपने माँ बाप को बेच सकते हैं। और मैं आप बताऊँ आपको, अभी तो मेरे बंगाली मुसलमान बहन भाइयों की आहें पहुंची नहीं है खुदा तक। जब पहुंचेंगी वो करेगा तब हशर होगा, देखिएगा। जिसने जिन बच्चियों को रेप किया इस्लाम के नाम पे, उनका हशर एक ही जनरेशन में ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए आगे क्या तो क्या होता है। बलोच बच्चों को मार के जहाज से फेंकते हैं ज़मीन पे, उनकी बच्चियों को रेप कर रहे हैं आप, बस ये कह के कि ये काफिर है। हम तो, हमारी तो तहजीब होती कि बहुत ही खूबसूरत लड़की हो तो कहते थे काफिर हसीना। हाँ क्या काफिर वो बनाई है निहारी हैं? अब वो काफिर वर्ड को उन्होंने इतना नेगेटिव किया कि बच्चों को मार रहे हैं, काफिर नहीं है। एक मुसलमान दूसरे को मार रहा है सीरिया में, कोई हिंदू मार रहे मुसलमानों को, कौन मार रहा है? ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि मरने वाला मरने भी वाला भी मारने वाला भी मुसलमान। और आज से नहीं, इनके यहाँ खून चढ़ा हुआ इनको कि किसी तरह पाकिस्तान बनाया था जहाँ हम पॉइंट बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, जब अंग्रेज चला जाएगा फिर हमला करके हम मुगल डायनेस्टी तो हमारी है, हम फिर आ जाएंगे नवाब। लेकिन ये अपनी फौज के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे। अच्छा ये भी भड़का आ रहे हैं उनको कि वो बोले फालूदा, इनके मिसाइल में कुछ भी नहीं है। बेकार की बात है। ये वो लोग हैं फौजी, आप दुनिया बता, अगर मैं कहूं कि इंडिया की फौज कॉन्फ्लिक्ट बनाने लग जाए तो आपको हंसी आएगी। ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं, इनका फौजी बैंक लिमिटेड है, फौजी इनकी ट्रक चलते हैं। हर जनरल जो है जो बेईमानी नहीं करता, ही रिटायर्स एज अ मल्टी मिलियनेयर इन US डॉलर्स, ईमानदार जनरल। क्योंकि स्ट्रक्चरली ऐसा है कि आप लेफ्टिनेंट से कप्तान हुए, 2 बीघा जमीन, कप्तान से मेजर हुए, 3 करनाल दे दो, वो साला जब तक कर्नल पहुंचता है उसके पास 200 एकड़ ज़मीन आ जाती है, ये लॉज में लिखा हुआ है। सारी जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके पास में बहुत ज़मीन है, बहुत सर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन स्विस बैंक अकाउंट्स। जस्ट जनरल खयानी, द लास्ट हेड ऑफ द ISI, यू थिंक ये आपका जनरल बदमाश शरीफ जो है ये क्यों कर रहा है? इसकी अपॉइंटमेंट एंड होने वाली है। सो जंग चल रही, जंग के बीच में कौन करता है अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट? उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जंग चल रही हिंदुस्तान से तो आप रिन्यू कर दीजिए। वो बेवकूफ़ रिन्यू नहीं करेगा, उसकी वजह से हवा खारिज हो जाती है कि अरे बाप रे बाप जनरल आ गया, माई बाप माफ कर दो। ही'ल रिन्यू दैट, दिस इज बीइंग डन बाय देम टू गेट दैट मैन रिन्यूअल। ये लोग कहते हैं उसका भाई मर गया था 65 में तो बदला ले, नहीं भैया, ये पाकिस्तानी पंजाबी जनरल, इनको सिर्फ US डॉलर नज़र आता है, ये पाउंड स्टेरिंग में भी खुश नहीं होते। सऊदी रियाल भी जो इनको मिलता है ना खैरात जकात में भिखारियों की तरह, वो कन्वर्ट करा के वहाँ भेजते हैं अमरीका शरीफ। मैंने तो ये सुना कि थोड़ा डर है नवाज शरीफ साहब को कि कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ सर, देखिए टू बी वेरी सीरियस, कैरी लूगर बिल पास हुआ which was enacted into law, Senator Lugar and Job Secretary of State. The US Congress determined it's a law. The moment Pakistan's military takes over the affairs of government in Pakistan, automatically, not with a discussion, all US transfers of fund to Pakistan will come to an end. Ooh. Yani hookah pani band. That is Kerry Lugar bill.
उसका बायपास, अमरीकों को क्या पता किस टाइप के चोरों से डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर कू करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं किसी को कू हुआ। वो तो ज़ियाउल हक ने कहा था ना 4 जुलाई को, वो अमेरिकन एम्बेसी में शराब पी रहा था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये भागे जा रहे थे और जाके कू कर दिया इन्होंने। अब कू होगा किसी को पता ही नहीं, आपको किसी ने टेलीग्राम दिया कि कू नहीं हुआ। अगर कू नहीं हुआ तब बताइए, कू इज दी डिफॉल्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। कराची में दुनिया का 8वां बड़ा शहर, पाकिस्तान फौज आप ही UPCP के महाजरों को कत्लेआम कर रही है, 200 बच्चा गायब है डेड। कराची का मेयर पिछले 3 महीने से जेल में, आपने खबर सुनी कभी, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं इसको पीड़ी नहीं इस बात की। वो कहते हैं अभी अनाउंस नहीं हुआ, अरे अनाउंस नहीं हुआ, कराची का मेयर ऐसे है केजरीवाल साहब को जेल में बंद किया और किसी को पता ना हो, ये मुमकिन है नहीं? आप ढूंढ रहे हैं कि वो कि लाहौर है पाकिस्तान। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ साहब से दोस्ती करने की, उनको यहाँ बुलाया, उनके यहाँ चाय पर गए। देखिए कभी तो चोर को ले जाना पड़ता है ना टू प्रूव द पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेल। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके तरफ हमेशा से, हर प्राइम मिनिस्टर ने गुडविल शो की है, जवाहरलाल नेहरू ने, इवन शास्त्री साहब ने, बाद में इंदिरा गांधी ने तो सब कुछ लुटा, जीत के लुटा के दे दिया पाकिस्तान को 90,000 फौजी। इंडिया की पॉलिसी है टू कंटेन एनी टेंशन विद पाकिस्तान एंड ग्रो इकोनॉमिकली थ्रू द ट्रेड रूट्स टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान की डिफॉल्ट पॉलिसी है कि दिल्ली पे फिर से कब्जा और मुगल सल्तनत बनाएंगे और वो हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, सारे भाई लोग फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे और राज करेंगे। और मियां आपको तो पता है कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं को मार देता है यूं ही करके, चटाक करके, उसी में हर पाकिस्तानी पंजाबी बिलीव करता है। फिर पिट के आ जाता, कहता यार ये किस गलत किस्म का हिंदू मिल गया होगा तुम्हें। उन्हें कहा नहीं भाई वो तो पारसी था मानिकशाह। अच्छा वो कौन? अच्छा वो सिख था। अरे वो हिंदू था ही नहीं कोई वहाँ इस पाकिस्तान में। लेकिन 3 बार जंग में हारे तो भी समझ नहीं आई, याददाश्त कमजोर है ना। तारिक फतेह साहब और भी इल्जाम मेरे पास में, हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जाम और सवाल आते। यार ये बंदा जितने पर्सनल कॉमर्स करता है ना, जितने पर्सनल कॉमर्स करता है कि वो बंदा शादी कर रहा है इमरान खान, इसको उससे प्रॉब्लम है। वो दूसरा बंदा पता नहीं क्या चीज़ें कर रहा है कि वो सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोज आ रही हैं, उसको उससे मसला है। मतलब कि पर्सनल चीज़ें कि जी शादी कर रहा है तू, 60 साल की उम्र में घोड़ी पे चढ़ रहा है, ओ भाई मेरे वो 100 साल की उम्र में शादी करे। हू आर यू टू से दिस? नहीं आप एक चीज़ बात करो, आप क्रिटिक हो, आप उनकी इकॉनमी पे बात करो। वो चीज़ जो गलत कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, कोई बंदा चोरी कर रहा है, कोई चीज़ इकॉनमी को ख़राब कर रहा है। जैसे नवाज शरीफ, इन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा जी हाँ वो जो है वो चोर थे, वो सारा पैसा बाहर के मुल्क में लेके जाते थे, वो बात मैं मानता हूँ। ये बात तो अब पाकिस्तान में भी सबको पता है कि जी हाँ वो चोर थे और पैसा बाहर लेके जाते थे। उसने इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं मिली, उसने कहा जी ये वो है सॉरी क्रिकेटर है, तुम शादियाँ करो सब कुछ करो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो बन गया, वो अभी भी उनका यही चीज़ है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने शादियाँ की या सब चीज़ उसको पता नहीं। शादियों से वाई आर यू गाइस सो मच ऑब्सेस्ड विद इमरान खान्स मैरिज? ये मुझे बात नहीं समझ आती कि वो 3 शादियाँ करें, 10 शादियाँ करें, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें क्या इंटरफेयर। आप लोग करो, आप लोग भी 4 शादियाँ करो, हमें कोई इशू नहीं है। एक इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, एक उसका पॉलिटिकल करियर है, अगर वो उसमें खराब है, उसमें कोई चीज उसकी गलत है, उसके बारे में बात करें। चीजों की तो इन्होंने बड़े वाकई पर्सनल कॉमर्स किए, किसी की जुबान पे, किसी की उस पे। और मुसलमान एक चीज ये है कि आर्मी वाले जो दोनों साइड से, ये नहीं मैं कहूँगा पाकिस्तान में, दोनों साइड से आर्मी वालों को जस्ट एक आर्मी तो इसी वजह से बनी है ना कि जो पाकिस्तान पे हो जाएगा, पाकिस्तान ने अगर हमला कर दिया
इन केस ऑफ दिस बनी है कि जी अगर उन दूसरी कंट्री ने हमला कर दिया तो हम ये करेंगे, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जब डिफेंस बजट इतना ज़्यादा है, सारा कुछ हो रहा है। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मैं ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। 1 2 3